हम लोग ना इधर इधर ही सारी कथा कर दो शहर बन कर हम लोग आकर इधर से राधा के दर्शन करके सीधा पीली को ज्ञान देवी नंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म इतिला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री शिव शिला भक्ति वेदांत श्री नारायण सिंह महाराज जी के चरणों में समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बरसाना तो बरसाने जा मंगवा लो गाड़ी बताया बरसाना की क्या महिमा है। यहाँ पे ऊपर वो देख रहे हो ना वो है मानगढ़ नहीं ये है मयूर कुटी वो है मयूर कुटी। इसके पीछे है जैसे सांकरी खुर्स आए थे वो था विलासगढ़ और दानगढ़। बताया ये जैसे ब्रह्मा जी के चार सर हैं तो बताया यहाँ पे जो पर्वत है ये पर्वत कौन है साक्षात ब्रह्मा जी ही पर्वत के रूप में है। और उस तरफ जब सांकरी खुर्स आए थे एक तरफ थे विष्णु जी पर्वत के रूप में। तो जो ब्रह्मा जी का पर्वत है जो चार उनके मुख है ये दानगढ़ मानगढ़ विलासगढ़ विश्वानुगढ़ ये उनके चार सर है। यहाँ की बड़े ही सुंदर लीला का वर्णन आता है कि राधा जी जो है वहीं जहाँ से भी हम सांकरी खोर से आप होके आए उसके ऊपर ही विलासगढ़ वहां से राधा जी बैठी है और देख रही है कि कब कृष्ण जाएंगे। उतने में ही उनकी एक सखी चित्रा क्या करती है बड़ा ही सुंदर एक कृष्ण का चित्र बना के राधा जी के सामने रख देती है।
अब उस चित्र को राधा जी देखती जा रही हैं, देखती जा रही हैं, और सामने ही देखती हैं कि कृष्ण वहीं से बंसरी बजाते हुए जा रहे हैं। अभी राधा जी ने बोला कि मैंने तो अपना मन तीन तीन पुरुषों को दे दिया, पहला तो जो इस चित्र के अंदर है, दूसरा जिसको मैंने अभी अपने सामने देखा, और तीसरा जिसका सखी तुमने मुझे नाम सुनाया, कृष्ण। क्योंकि कृष्ण का नाम सुनते ही गोपियों की कैसी स्थिति होती है, केबा सुनाई ले श्याम नाम, कानरे भीतर गया मरमे पशी लोगो, आकुल करीला मोर प्राण। ये जब नाम गोपियों के कण के माध्यम से उनके हृदय में जाता है तो उनके प्राण जो है बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। तो कहती है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे अपना प्राण त्यागने पड़ेंगे, मैंने तो तीन तीन पुरुषों को अपना मन दे दिया है। उतने में ही क्या होता है, सखियां बोलती कि नहीं, ये तीनों पुरुष एक ही हैं। तो राधा जी बोलती कोई तो ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाए, उनसे मेरा मिलन हो जाए। तो सब बोलते हैं कि ऐसे करो कि वृंदा जी की उपासना करते हैं, उससे तुम्हें कृष्ण दर्शन हो जाएंगे। तो वहाँ पे राधा जी क्या करती हैं, वृंदा जी की उपासना करती है कि मुझे किसी प्रकार से कृष्ण के दर्शन करा दो। तो वहाँ पे कृष्ण एक बड़ा ही सुंदर बताया कि यहाँ की महिमा को क्या कहे, जहाँ पे श्याम धरे सखी वेश, जो श्याम है उनको बरसाना में आने के लिए राधा जी से मिलने के लिए सखी वेश धारण करके आना पड़ता है। तो सोचो इसकी क्या महिमा होगी। जहाँ पे फिर कृष्ण क्या करते हैं, बड़ा ही सुंदर उस राधा जी के महल में प्रवेश करते हैं एक गोप देवी बन के। और जैसे ही वो गोप देवी बन के आते हैं, राधा जी उनके दर्शन करती हैं, तो राधा जी बोलती है तू कौन है, तो वो बोलती है कि मेरा नाम गोप देवी है। अच्छा तू कहाँ से आई है, मैं बरसाना के उत्तर दिशा से आई हूँ, उत्तर दिशा में नंदगांव पड़ता है। तो बताया कि अच्छा तू क्या क्या जानती है, देखो क्या क्या कलाएँ आती है। तो बोली कि मेरे को बहुत सुंदर गीत गाना आता है, मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है। अच्छा थोड़ा गीत गा के दिखा, थोड़ा नृत्य करके दिखा। तो उस जो कृष्ण जब राधा जी से मिलने के लिए एक गोप देवी बन के आए हैं, आज राधा जी को तो कृष्ण से पूरा दिन विरह था, लेकिन उस गोप देवी के साथ उनका दिन पूरा ऐसे बीत जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता। अब जब संध्या होती है, संध्या को बोलती है गोप देवी अब मैं जा रही हूँ, तो वो बोलती है राधा जी की देख तेरे साथ आज पूरा दिन मेरा कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, नहीं तो कृष्ण विरह में तो मैं बहुत विवल होती हूँ, और मेरे को तेरे से बातें करना, तेरे साथ बैठना, तेरे साथ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तू रात को यहीं पे रुक जा। नहीं नहीं मैं कल आऊंगी। अब अगले दिन जब गोप देवी आती है, थोड़ा आने में विलंब हो जाता है, तो राधा जी बहुत विवल हो जाती कि गोप देवी आज आई क्यों नहीं है। तो जैसे ही गोप देवी आती है तो बोलती कि तू आज इतना विलंब कैसे कर दिया तूने आने में। तो गोप देवी बोलती क्या बताऊं राधा, मैं तो तेरे पास आ ही रही थी, लेकिन रास्ते में एक मुझे पुरुष मिल गया काला सा, जिसने कस के मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे आने से यहाँ पे रोक दिया, और जबरदस्ती मेरे से दान मांगने लगा। और वो पुरुष कैसा है, वो पुरुष ऐसा था, देखने में काला सा था, और उसके व्यवहार भी अच्छा नहीं था, कस के हाथ पकड़ लिया, किसी पर स्त्री का हाथ थोड़ी ना पकड़ते हैं, और क्या है थोड़ा सा दूध दही मांगता है, लगता है कोई निर्धन घर का होगा। ये कौन, वो कृष्ण ही है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा जी के सामने, राधा जी के मुख से कृष्ण की महिमा सुनना चाहते हैं, इसलिए अपना खुद ही अपने अपने ऊपर खुद ही लांछनाएं लगा रहे हैं। तो इतने में राधा जी को बड़ा क्रोध आता है, अरे गोप देवी तू देखने में तो बड़ी सुंदर लगती है, बातें तो तेरी बिल्कुल कैसी है, तेरा हृदय तो पूरा कुटिल है, तू जानती है जिसको तू काला बोल रही है वो कौन है, वो साक्षात मनमत मनमत साक्षात कौन है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, वो साक्षात शोभा की प्रतिमूर्ति है, सबको शोभा प्रदान करने वाला है। और तू क्या कह रही है कि वो निर्धन है, अरे वो निर्धन नहीं है, वो कैसा है, जिसकी कोटि कोटि लक्ष्मियां सेवा करती है, और उसने तेरा हाथ पकड़ लिया, अरे तू तो परम सौभाग्यवान है, तू तो परम सौभाग्यवान है कि उसने तेरा आज हाथ पकड़ लिया। तो वो कहती है गोप देवी, अच्छा इसका मतलब क्या है कि अगर दूर में रखो, इसका मतलब क्या है, तू क्या कह रहा, राधा जी को बोलती है इसका मतलब क्या है कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं सौभाग्यवान हूँ, तो क्या मैं अपना कुल लुटवा दी थी क्या तुम्हारी तरह, और मैं तो जानती हूँ कि तुम गोपियाँ भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हो, अरे वो कोई प्रेम करने की विषय विषय वस्तु थोड़ी ना है। तो वहाँ पे राधा जी को और क्रोध आता है, राधा जी कहती क्या कहा तूने कि वो प्रेम करने की विषय वस्तु नहीं है, अरे प्रेम करना है तो प्रेम किससे करना चाहिए, केवल कृष्ण से ही प्रेम करना चाहिए, और तू क्या कहती है कि उसको प्रेम करना नहीं आता, अरे प्रेम करना कृष्ण के अलावा जगत में किसी को नहीं आता, प्रेम करना सीखना है तो कृष्ण के पास ही जा। तो कहती है अच्छा उससे तो तुम सबको छल के अपने जादू में पागल बना दिया है, मैं तुम्हारी तरह पागल बनने वाली नहीं हूँ। तो वहाँ पे राधा जी कहती है तुझे क्या पता प्रेम क्या होता है, तो गोप देवी कहती है अगर तेरा इतना ही प्रेम है तो जरा एक बार उसको बुला के देख, देखती हूँ मैं भी कि तेरे प्रेम से वो आता है या नहीं आता। तो वहाँ पे राधा जी आंख बंद करके कृष्ण का नाम लेना शुरू करती है, गोविंद दामोदर माधव की जय।
तो किसी प्रकार से इन सारे स्थानों पे आने के बाद हमारे हृदय में ये भाव जान जाए कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है जैसे ब्रजवासी करते हैं, तभी आके हमारा यहाँ पे आना सार्थक होगा। नीता गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के एवं श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी के श्री चरणों में भी अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आप सभी उपस्थित भक्त वृंद जो श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर जो सभी लीला स्थलियां हैं उनके जो दर्शन कर रहे हैं, आप सभी के चरणों में भी मेरा प्रणाम। हम लोग हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में ही ब्रज की अनेक लीला स्थलियों पर समय समय पर गुरुदेव हम लोगों को लेकर के जाते थे, विशेष करके ब्रजमंडल परिक्रमा के समय, और सभी स्थानों पर कथा कीर्तन इत्यादि होता था। इसलिए आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन्हीं के ही साथ में जिन्होंने बहुत वर्षों तक परिक्रमाएं की हैं उन्हीं महाराज जी के अनुगत्य में ही परिक्रमा कर रहे हैं। शिला महाराज जी को इन समस्त लीलाओं स्थानों की जो लीलाएं हैं कथाएं हैं वो उनको सारे स्थानों का विशेष रूप से उनको जो है एक श्रवण करते करते कीर्तन करते करते एक अलग प्रकार की उनकी भावनाएं हैं अनुभूतियां हैं। मैं विशेष रूप से इन स्थानों पर कभी भी उस तरह से दर्शनों के लिए नहीं आया और कथाएं भी बहुत सारी नहीं पता है, किंतु तो भी थोड़ा थोड़ा जो गुरु वैष्णवों के मुख से श्रवण किया है उसी को ही थोड़ा सा कीर्तन करूँगा। हम लोग अभी जिस स्थान पर आए हैं बस वाले लोग शायद गहवर वन और उससे पहले साकरीपुर इत्यादि से होते हुए आए हैं आप लोग, हम लोग तो साकरीपुर इत्यादि से आज नहीं आए हैं, किंतु जहाँ पर बस उतारती है उसके बाद में परिक्रमा प्रारंभ करते हैं भक्त लोग। पहले लेकर के जाते हैं वृष भानु खोर पे, जहाँ पर किसी किसी कल्प में श्रीमती राधा रानी जो हैं वो कमल के पुष्प के ऊपर वृष भानु महाराज जी को मिलती हैं। भोर के समय में जब वृष भानु महाराज स्नान करने के लिए जाते हैं तो उनको कमल के ऊपर बहुत छोटी सी सुंदर बालिका मुस्कुराती हुई
जिसमें से बहुत तेज प्रकाशित हो रहा है, उस बालिका के रूप में वृष भानु महाराज जी को दिखलाई पड़ती हैं और वह फिर अपनी उस बालिका को अपनी गोद में ले लेते हैं और लेकर के फिर जो कीर्तिदा मैया है उनकी गोदी में दे देती है। इसीलिए बरसाना को क्या कहा जाता है, श्रीमती राधा रानी का ये आविर्भाव स्थली भी है। किसी कल्प में राधा जी का जन्म जो है वो होता है रावल में, किसी किसी कल्प में उनका जन्म होता है बरसाना में, कभी वो जमुना जी में कमल के पुष्प के ऊपर मिलती हैं और कभी वृष भानुकोर में कमल के पुष्प के ऊपर मिलती हैं, कभी उनका कीर्तिदा मैया के गर्भ से जन्म होता है, भिन्न भिन्न समय में इस प्रकार से श्रीमती राधिका इस जगत में प्रकटित होती हैं। और उसके बाद में फिर जब परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तब एक स्थान आता है रंगीली गली, रंगीली गली से होकर के चलते हैं। रंगीली गली का अर्थ क्या है, जहाँ पर सब समय विभिन्न प्रकार के जो रंग बिरंग हैं वो सब गुलाल आबीर इत्यादि अर्थात परस्पर में एक दूसरे के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग डालते हुए आनंद के साथ में, जहाँ पर समस्त गोपियाँ कृष्ण के साथ में इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रंग इत्यादि डालती हैं, गुलाल डालती हैं, पिचकारियों से पिचकारियाँ छोड़ी जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, सुगंधित जलों की अनेक प्रकार की लीलाएं जहाँ पर होती हैं उसका नाम रंगीली गली, जहाँ पर हृदय के जो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं वो सारे प्रकटित हो उठते हैं। कृष्ण श्रीमती राधिका समस्त गोपियाँ यहाँ पर किस प्रकार की भावना के साथ में विचरण करते हैं ब्रज में, जैसे कि एक निश्चिंत बालक होता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, परम आनंद के साथ में सब कुछ भुला कर के कृष्ण को कुछ स्मरण रहता नहीं, केवल जहाँ पर है वही वस्तु स्मरण रह जाती है, सारा कुछ उनके मन से पूरी संसार की जो उनका सब कुछ है उसको भूल करके मुग्ध होकर के यहाँ पर वास करते हैं। भगवान के दो गुण बतलाए, एक बतलाया मुग्धता और दूसरा बतलाया सर्वज्ञता। भगवान सर्वज्ञ हैं अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय की बात को जानते हैं, कौन से ब्रह्मांड में किस स्थान पर कौन सा जीव क्या करता है क्या नहीं करता उनको सब वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है, कौन क्या प्रार्थना कर रहा है, कौन उनकी ओर देखता है कौन उनकी ओर नहीं देखता है, कौन उनकी ओर कृष्ण को कौन प्रार्थना करता है कौन नहीं करता है, कौन किसके साथ में छल करता है, कौन कपट कर रहा है, कौन झूठ बोलता है, कौन चोरी करता है, कितना छुपा करके करता है, किंतु कोई भी चीज भगवान से छिपी नहीं रहती है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप 1000 छिपा करके भी अच्छा काम करते हैं तब भी उनको पता चल जाता है, और अगर 1000 छुपा करके गलत कार्य करते हैं तब भी उनको पता चल जाता है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, भगवान कौन है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, किंतु सब कुछ जानने वाले होने पर भी एक ही साथ में वो कैसे वाले होते हैं, मुग्ध भी होते हैं, मुग्ध होकर के रहते हैं इस ब्रज में। विशेष करके मुग्ध रहने का मतलब क्या होता है, वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। माफ़ एक व्यक्ति इन माता जी के पढ़ाई प्लीज होता है, इनके पीछे पढ़ा जरूर कुछ खाने का दिखा रही होगा, वो तो सबको खिलाने वाले हैं, किंतु वो सर्वज्ञता वाला गुण है। मुग्धता में क्या होता है, मुग्ध हो जाते हैं और उनको भी भूख लगती है, रोते हैं, खाने के लिए मांगते हैं, इसी प्रकार से
यहाँ पर मुग्ध होकर के रहते हैं कि समय में कृष्ण मुग्ध होकर रहते हैं। क्या हमारे लिए संभव है कि हम एक तरफ मुग्ध हो जाएं और दूसरी तरफ से सर्वज्ञ बन पाएं? कहते हमारे लिए होता नहीं है संभव, किंतु भगवान के लिए दोनों चीजों का एक साथ में होना संभव होता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से मुग्ध होकर के रहते हैं कि जैसे बिल्कुल एकदम से साधारण बालक हो। यही पास में क्या है, चित्रा सखी का गांव है चिकसोली, वहां के विषय में क्या वर्णन आता है, चिकसोली के चना चबाए, हरे वाले चने होते हैं ना, जिसको छील छील करके सब्जी भी बनती है, लोग ऐसे भी खा लेते हैं, छोलिया बोलते हैं, छोले बोलते हैं। तो यहीं पर पास में ही जो उस समय कृष्ण के समय में ब्रजवासी वो क्या करते थे, खेती करते थे छोलों की, और कृष्ण क्या करते हैं अपने सखाओं के साथ में वो छोले के जो छोटे 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 पौधे उनको हाथ से तोड़ तोड़ करके बहुत सारे इकट्ठे करके ले जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर रखवाली करने वाली मालिन जो है वो देखती है तो एकदम से कृष्ण क्या करते हैं, दौड़ लगा देते हैं, सखाओं को भी बोलते हैं कि चलो जितना जल्दी हो सके, बगल में क्या कर लेते हैं सारे छोले दबा लेते हैं जितना अधिक हो सकता है और फिर दौड़ लगाते हैं। इसलिए बोलते हैं चिकसो लेके चना चबाए, और फिर जो साकरी खोर है वहाँ पर बैठ करके बड़े आनंद के साथ में कभी थोड़ी धूप में कभी थोड़ी छाव में ऐसे बैठ करके चने चबाते हैं छोले चबाते हैं, इसी से प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान को चोरी करने की आवश्यकता है किंतु मुग्ध हो जाते हैं सर्वज्ञ होने पर भी, इसलिए कभी माखन की चोरी करते हैं तो कभी छोले की चोरी करते हैं। और जो गैवर वन वहाँ की हमारे महाराज जी लोग तो बड़ी सारी सुंदर सुंदर वहाँ की कथाएं सुनाते हैं। जब श्रील गुरुदेव आते थे तो कीर्तन करवाते थे, मेरी मटकी में मार गयो भेला, नंद जी के लाला आलो बेला, मेरी मटकी में मार गयो भेला, कभी सुदाम के साथ कभी श्रीदाम के साथ कभी दाऊजी के संग में अकेला, दाऊ जी के संग में अकेला, मेरी मटकी में मार गया ढेला। वहां से जो सखियां हैं वो एक एक करके अपने सिर के ऊपर मटकियां लेकर के दही की दूध की और माखन इत्यादि की जब जाती हैं तो ये क्या करते हैं उसके मटके में ही ढेले मारते देते हैं। पहले तो मांगते हैं उनसे, जब नहीं मिलता तो क्या करते हैं फिर जो जबरदस्ती भी करते हैं, और तब भी अगर नहीं मिलता तब क्या करते हैं ढेला मार देते हैं। वो अपनी आप ही दूध और दही होता है जो टूटने से बिखर जाता है और वहीं से लेकर के अपना खाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए उसे सांकरी कोर पर अभी तक भी वो चिन्ह पड़े हुए हैं, दही के दूध के पर्वत जो है अलग रंग का और उसके ऊपर सफेद सफेद वो सारे जो चिन्ह है वो दिखलाई पड़ते हैं अभी तक भी। इसलिए वो गहवर वन दूसरा कीर्तन कभी कभी क्या करवाते हैं वहां पर, दूसरा कीर्तन करवाते हैं कि चलो चले यशोदा धाम सखीरी बहुत सतावे श्याम। सखियां जो हैं गोपियां वो चलती जा रही हैं उस सांकरी खोर से। सांकरी का मतलब क्या होता है, जो बहुत संकरी है, अर्थात इतना वो एकदम से छोटा स्थान है, उसकी चौड़ाई इतनी कम है कि उसमें से एक व्यक्ति ही एक बार में गुजर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं सांकरी खोर। इसलिए वहां पर कृष्ण जो है वो वन में इधर उधर बैठे हुए हैं, सखियां जा रही हैं, देख तो लिया है उन्होंने कृष्ण को भी और कृष्ण के सखाओं को भी देख तो लिया है और पता भी है कि वो छिप करके हम लोगों को देख रहे हैं और हमारी बात भी सुन रहे हैं। इसीलिए उनको जानबूझ करके सुनाते सुनाते क्या कहती हैं कि हम क्या करेंगी, आज जाएंगी यशोदा माता के पास में। सखीरी बहुत सतावे श्याम, चलो चले यशोदा धाम, हम यशोदा धाम चलेंगी और वहां पर क्या करेंगी जा करके हम लोग को, क्योंकि शाम जो है वो हम लोगों को बहुत सताता है, हम माता यशोदा को जाकर के इसकी करतूत जो है सारी बतलाएंगे। क्या कहेंगी, मैया से कहेंगे
तेरा गोपाला, छल कपटी छलिया मन का काला, गोकुल का बदनाम सखीरी बहुत सतावे श्याम। हम उनको जाकर के क्या कहेंगी, तेरा जो श्याम है ना, ये देखने में बड़ा भोला भाला, तुम्हारे सामने इतना एकदम से आदर पूर्वक व्यवहार करता है कि सारे लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बलिहारी जाते हैं और सारा दिन सारी रात इसके लिए सारे ब्रजवासी, आपको नहीं केवल नंद बाबा, यशोदा माता नहीं, रोहिणी मैया नहीं, सारे ब्रजवासी भी इसके प्रति क्या रहते हैं, मुग्ध रहते हैं, सब समय इसके मंगल की कामना करते हैं। किंतु ये है कैसा कपटी है, ये छलिया है, छल करता है बहुत अधिक, कपटी छलिया मन का काला, ये जैसे ऊपर से काला दिखाई देता है मन का भी वैसे ही काला है, बहुत सतावे श्याम। और हम क्या कहेंगी, हम उनको जाकर के कहेंगी यशोदा माता को कि छेड़ मुरलिया काना हमको बुलावे, अपने मुरली के ऊपर तान छेड़ता है ऐसी वाली, इतना निपुण है वंशी और वेणु इत्यादि बजाने में, इतना मधुर होती है वो कि हम चाहे कोई भी काम क्यों ना कर रही हो, सारा कुछ हम भूल जाती हैं काम करना और एकदम से इसकी और दौड़ी चली जाती है। छेड़ मुरलिया काना हमको बुलावे, हमको बुलावे काना बतिया बनावे, और उसके बाद में फिर क्या करता है हमारे को, वहां पर जाकर के ऐसी ऐसी बातें करता है कि तुम यहाँ पर क्यों चले आई हो, क्या करने आ गई हो, यहाँ पर क्या काम था तुम्हारा इस वन में, घर में कोई काम नहीं है तुम्हारे को, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ जो एकदम से मेरे से ही बात करना चाहती हो, इसी और खींची चली आ रही हो, ऐसी बातें करता है। छेड़ मुरलिया काना हमको बुलावे, हमको बुलावे काना बतिया बनावे, वन वन गोपिन संग रास रचावे, कर दे सुबह से शाम सखीरी बहुत सतावे श्याम। सुबह से शाम कर देता है, रास रचाता है, कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है, और हम लोग भी ऐसी हो जाती हैं कि हमारी अपनी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ये तुम्हारा लाला जो है ये कहाँ से आया है, इस प्रकार की बातें करती हुई कृष्ण को सुनाते सुनाते जाती हैं कि तू कपटी है, तू छलिया है, और तेरी जो बातें हैं वो किस प्रकार से हम तेरी माता तक पहुंचाएंगी, इस प्रकार की बातें करते हुए वास्तविक रूप में अपने मन की बात कहती हैं। उनके कहने का जो शब्द सुनने में होते हैं वो अलग प्रकार के, और उनका जो भावना होता है वो अलग प्रकार के। इस प्रकार की समस्त लीलाओं की ये स्थलियां हैं, ये कोई साधारण स्थान नहीं है जहाँ पर हम आए हैं। हम लोगों को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को, हम लोग तो प्राचीन लोग हैं, कितने समय से इन स्थानों पर गुरु वर्गों के साथ में आते भी हैं, किंतु तब भी हम लोगों को भी यहाँ की महिमा कुछ नहीं पता है। अभी हमारे गुरुदेव कहते थे अभी तो प्रारंभ हुआ है तुम्हारा, ब्रजवासी जो अनुरागी जन हैं उनके साथ में जैसे 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 उनका संग होता जाता है तब पता चलता है कि यहाँ की कैसी महिमा है। इसलिए यहाँ के विषय में क्या कहते हैं कि बरसाने के वास की आस करें शिव शेष, यहाँ की महिमा कौन कहे, जहाँ श्याम धरे सखी वेश। ये ऐसा स्थान है जहाँ के लिए शंकर ब्रह्मा इत्यादि भी प्रार्थनाएं करते हैं। जैसे एक बड़ा व्यक्ति जो है वो क्या इच्छा करता है, मेरे पास सोना चांदी इत्यादि आ जाए, किंतु छोटा बच्चा क्या कामना करता है, सोना चांदी मांगता है किसी से, उसका जहाँ तक विकास होता है वो वहीं तक चाहता है, वो केवल क्या चाहता है, मेरे को ट्रॉफी मिल जाए, मेरे को चॉकलेट मिल जाए। उसी प्रकार से हम लोगों को हमारी बुद्धि अभी जो पारमार्थिक विचार से हमारी बुद्धि अभी विकसित नहीं है, इसलिए हम लोगों को नहीं पता चलता, किंतु ब्रह्मा शिव इत्यादि भी क्या करते हैं, क्रंदन करते हैं, यहाँ पर आने के लिए विलाप करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि क्या हमारा कभी ब्रज में विशेष करके ऐसे स्थान
जहाँ पर राधा और कृष्ण की लीलाएं होती हैं, क्या हमारा कभी वहाँ पर रहने का आने का सौभाग्य होगा? इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं कि एक एक क्षण के लिए अगर वास मिल जाए, दर्शन हो जाए वहाँ पर कुछ, ऐसी वाली कामनाएं करते हैं। इसलिए किसी भक्त ने कीर्तन में लिखा है कि किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। हे लाडली, हम लोगों की कैसी स्थिति है, कहाँ तो ये ब्रज के विचार और कहाँ शंकर ब्रह्मा इत्यादि और कितने कितने ऋषि मुनि और पुराने पुराने जो संस्कारों से भली प्रकार से युक्त जो साधु, वो सारे ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, और कहां हम लोगों की स्थिति, ऐसी प्रार्थनाएं भी कौन करता है जिसका स्तर बहुत ऊंचा है। हम लोगों का क्या स्थिति है, हम लोग कहां संसार में पड़े हुए, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से ग्रस्त हैं, और फिर उसमें यदि किसी का बड़ा परम सौभाग्य उत्पन्न होता है, मनुष्य शरीर मिलता है, फिर और सौभाग्य उत्पन्न होता है तो किसी को साधु मिलता है, और अगर उसका परम सौभाग्य होता है तो उसको ऐसे वाला कोई साधु मिलता है जिसका ब्रज के प्रति विशेष निष्ठा होता है, और परम सौभाग्य होता है तब उसको ऐसे वाले साधु का संग मिलता है जिनको जिनका इन स्थानों के प्रति अनुराग है हृदय में, और फिर उनका हृदय करुणा से भी युक्त है, दूसरे दूसरे लोगों को भी वो इन सारे स्थानों से संपर्क युक्त करा करके परम आनंदित होते हैं, कृपा करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में हम लोगों के लिए हमारे गुरुवर्ग क्या आदेश करते हैं कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। तीर्थ यात्रा में तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं और कहां कहां के तीर्थ करते हैं कोई पता भी नहीं है, किंतु जो तीर्थों में भगवान के धाम में जाते हैं भक्तों के साथ में, इसलिए क्या निर्देश दे दिया, यद्यपि भागवत में बतलाया कि जहां जहां पर भगवान की लीला स्थलियां हैं वहां सब स्थानों पर जाना चाहिए। नारद ऋषि ने भी भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आपने जहां जहां पर लीलाएं की हैं इस ब्रज मंडल में, आपकी उन लीला स्थलियों पर यदि कोई जाएगा, आंखों से अगर उन स्थानों के दर्शन करेगा, कानों से वहां की कथा सुनेगा, वहां की रज को अगर अपने शरीर पर मस्तक पर धारण करेगा, तो उसका क्या हो जाए, उसका संसार का सारा जंजाल छूटता जाए और उसका आपके प्रति प्रेम जो है वो बढ़ता जाए धीरे धीरे करके। इस प्रकार से हम लोगों का बड़ा सौभाग्य, हम लोगों को इस प्रकार के साधुओं का संग मिला है जिनका क्या है, इस धाम के प्रति अनुराग है, प्रेम है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गौर अमार जे सब स्थाने करिला भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी बो आमी प्रणय भक्त संगे, कि ऐसे भक्तों के साथ में लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए जिनके हृदय में क्या है, प्रणय भक्त संगे, जो प्रणय भक्त हैं। प्रणय किसको कहते हैं, जब साधारण जगत में किसी का विवाह होता है तो बोलते हैं ये प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं, अर्थात प्रेम का जिनका बहुत अधिक संबंध है इस धाम के साथ में, उनके साथ में जाने से क्या होता है, तब वास्तविक रूप में धाम की महिमा हम लोगों को समझ आती है, नहीं तो नहीं समझ आती। इसलिए जो नहीं तो क्या लगता है, साधारण जगत में भी तो स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की इस प्रकार से आकर्षित रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, गले लगाते हैं, कभी मिल पाते हैं कभी नहीं मिल पाते हैं, सारे जगत में भी वही होता है, किंतु यहाँ पर राधा कृष्ण और उनकी जो सखियां हैं ये कोई साधारण जगत के स्त्री पुरुष नहीं है, कहां जग के जंजाल, कहां काम क्रोध, कहां उससे अलग हटना और फिर इस तरफ साधु का संग होना, जीवन का दिशा बदलना और फिर देवी देवताओं का भक्ति छोड़ना, फिर उसके बाद में भगवान के अन्य अवतारों की भक्ति को छोड़ना, फिर स्वयं भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होना, फिर वो कृष्ण में विस्ते भी द्वारिकाधीश कृष्ण को या फिर मथुरा के कृष्ण की भक्ति नहीं करके ब्रज के कृष्ण की भक्ति करनी, फिर ब्रज के कृष्ण में भी
सखाओं वाले कृष्ण नहीं और जो माता पिता के साथ में रहते हैं वो वाले कृष्ण भी नहीं, किंतु जो गोपियों के साथ में कृष्ण रहते हैं उनकी बात को समझना और फिर जो राधा जी के साथ में रास विलास करते हैं उनकी बातों को जानना समझना, ये एक बहुत बड़ा अंतर है हमारे में। हम कहाँ संसार के लोग और कहाँ श्रीमती राधिका उनकी सखियां और ये सारे लीला स्थान, बहुत बड़ा अंतर है। किंतु तब भी हमारे गुरुवर्ग हम लोगों को इन सभी स्थानों पर लाते हैं यही समझाने के लिए कि ये ब्रज की गोपियां कैसी हैं, इनमें काम की गंध भी नहीं है। जो सारे लोग बड़े पवित्र चित्त वाले हो जाते हैं, साधु मुनि सुखदेव गोस्वामी व्यास देव इत्यादि, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जिन्होंने सारे पदों को त्याग दिया, धन संपत्ति को त्याग दिया, मोह माया को त्याग दिया, सब समय जो भजन करते हैं वो भी इनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो ऐसे वाला जो जिनका स्तर है इतना ऊंचा, उनके लिए यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं, प्रार्थनाएं करने के लिए आते हैं इन स्थानों पर, कि उनके जैसा जो जिसमें क्या है अपने सुख की रक्ति भर भी कामना नहीं है, केवल कृष्ण प्रसन्न रहे, उसके लिए सब कुछ करने के लिए जो प्रस्तुत हो जाती हैं वो भी ऐसी मुग्ध हो जाती हैं जैसे कृष्ण सर्वज्ञ हैं, उसी प्रकार से उनके भक्त भी कैसे होते हैं त्रिकालज्ञ, उनमें भी श्रीमती राधिका और ब्रज गोपियों को तो कहना ही क्या, किंतु वो भी अपने आप को क्या समझती हैं, मुग्ध होकर के हम साधारण बालिकाएं हैं। इस प्रकार की लीलाएं होती हैं। इस बरसाना के चारों ओर राधा जी की सखियों के गांव हैं। बिल्कुल पास में ही चित्रा सखी का गांव चिकसोली, वहीं पर अभी हमने सुना कैसे चने चबाते हैं और चित्रा सखी कैसे चित्र बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है और सारे पशुओं की भाषा जानती हैं, पक्षियों की भाषा जानती हैं, वृक्ष लताओं की भाषा जानती हैं, वृक्षों से वार्तालाप करती हैं। हरे कृष्णा, लगता है सब भोजन करके सवेरे उठे नींद आ रही है ना, नींद आ रही, किसको नींद आ रही है? हाँ, कुछ कुछ भक्त लोग तो पकोड़ा और क्या खाए, जलेबी, और जो पकोड़ा जलेबी खाए ना उनको सांकिरी घोर का दर्शन नहीं हुआ, और जो खिचड़ी खाए उनको दर्शन नहीं हुआ। अरे हाँ, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो श्री राधा रानी की। अरे नींद तो खुल जाए, जोर से बोलो, बोलो श्रीमती राधा रानी की, बोलो श्रीमती वृषभानु राज नंद की। हाँ देखो, अभी हम जहाँ पर आए हैं ये स्थान का नाम बरसाना, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, अब जहाँ पर बैठे हो साधारण जगह पर नहीं बैठे हो, ये स्वयं ब्रह्माचल पर्वत है। हम कल जो गए थे ना वो शंकर स्वयं वो नंदीश्वर बनकर के नंदगांव बने, और ये स्वयं श्री ब्रह्मा जी 60,000 साल हम जाएंगे दर्शन करेंगे, जहाँ पर ब्रह्मा जी 60,000 साल तपस्या किए, बोले किस लिए, बोले ये पत्थर बनने के। इसलिए भागवत में ब्रह्मा जी की स्तुति आती है, बोले तत् घोर भाग्यमिह जन्मम किम अटव्याम जत गोकुलपि कथमांग्रि रजोभिषेकम। ब्रह्मा कह रहे हैं क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा जहाँ पर ब्रज के बाहर जहाँ पर छोटे जाति के लोग रहते हैं उनके घर को सामने क्या पत्थर जन्म लेने का सौभाग्य होगा। बोले भैया उनको सामने पत्थर जन्म क्यों पाना चाहते हो, बोले जब घर में घुसेंगे देख रहा प्यार पत्थर को प्यार को रगड़ते हैं प्यार धोते हैं, बोले अगर उनकी चरण धूल मिल जाए ना हमारी जीवन धन्य हो जाएगा। कौन बोल रहा है, ये ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन, जगत को जो सृष्टि करने वाले हमारे आदि गुरु श्री, ये ब्रह्मा जी ये बात को ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो प्रश्न किया, ब्रह्मा जी आप तो दुनिया को सृष्टि करता, आप इतने छोटे जन्म क्यों चाहते हो। तो ब्रह्मा जी कहते देखो यहाँ की पत्थर बनना भी कोई साधारण बात नहीं, यहाँ की छोटे जाति की चरण धूल भी कोई साधारण बात नहीं, बड़े भाग्य से कई पत्थर जन्म होता है। इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे, बोले पिताजी आप ये 60,000 साल तपस्या क्यों की ये गोपियों की चरण धूल पाने के लिए। ब्रह्मा कहती बेटा जो गोपियां है ना उनको कोई लड़की मत समझो, ये सबके सब आनंद चिन्मय रस प्रतिभा, राधा रानी ही
अपना एक एक भाव को एक एक गोपी रूप में प्रकट किया। बेटा ये गोपियां कोई साधारण कोई लड़की नहीं, बेटा इनकी चरण धूलि पाने के लिए तो कितने लोग कितने कठोर तपस्या करते हैं। कहते अन्न ब्रजामि अहम नित्यम पुए एत अंग्रेणु भी, कृष्ण भी स्वयं जिनकी चरण धूलि चाहते हैं। ये जो तिलक लगाए ना, ये तिलक क्या है? ये गोपियों की चरण धूलि। कृष्ण को देखना, यही धूल को कृष्ण स्वयं ललाट पर, इसी धूल को कृष्ण भी धारण करते हैं। इसलिए ये ब्रह्माचल पर्वत है, इस स्थान का नाम बरसाना। बरसाना मतलब क्या? जहाँ पर राधा रानी की प्रेम की ऐसे बरसात होती है, जहाँ पर स्वयं परम ब्रह्म परात्पर तत्व जो भगवान कृष्ण भी जिनकी प्रेम में बरसात में जहाँ पर स्नान कर लेते हैं, है? इसलिए कहते के बापा बे वाके पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। यहाँ पर प्रेम नदी जो उल्टी होती है यहाँ पर, इसलिए ये स्थान का नाम क्या है? ये बरसाना। और ये बन का नाम क्या? गहवर बन। आप श्रवण किया ना, राधा रानी अपना हृदय से ये गहवर बन को प्रकट की, राधा रानी के द्वारा प्रकट हुआ है ये गहवर बन। गहवर मतलब क्या? बोले राधिका भाव गंभीर। बोले जी राधा रानी की जो भाव है बड़ा गंभीर है, ऐसे राधा रानी की भाव गंभीर है। साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, भगवान कृष्ण भी जिनकी प्रेम की कोई था नहीं पाते। इसलिए कृष्ण कलयुग में ये चैतन्य महाप्रभु का रूप में क्यों आए? क्योंकि राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए। राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम का आस्वादन करती है, इसको आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा रानी की भाव और अंग कांति लेकर कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए अभी हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर जो हम अब देखे इसको ऊपर में है मोरकुटी है, कोई बात इसको ऊपर में मयूरकुटी है। ये मयूरकुटी क्या है? बोले एक समय यहीं पर श्री राधा रानी कृष्ण, राधा रानी बोले श्याम सुंदर थोड़ी से मेरे मुख को भरना करो, मैं कैसे सुंदरी हूँ। इतने में कृष्ण बोले चंद्रा रुक गए। फिर बोले आनंद है, इतना बोलते राधा रानी को इतना क्रोध हो गया, बोले लगता है चंद्रावली की याद आ गई। क्योंकि चंद्रा अब जानता चंद्रावली ये एंटी बाकी है, बोले लगता है तुम्हारी चंद्रावली की याद आ गई, इसलिए तुमको चंद्रा रानी कह रुक करके। बोले जैसे तुम काले हो ना, अंदर भी वैसे काले हो, ऊपर भी वैसे काले हो, हैं? इसलिए मेरे तेरे साथ में खेला नहीं करूंगी। इतने में कृष्ण बोले देखो राधे, मैं चंद्रावली की याद नहीं, तुम्हारी जो मुख है ना ये चंद्र जैसे मुख मारी चंद्र जैसे, इसलिए मैंने चंद्रा नंदी बोले। राधा रानी बोले चंद्र को साथ में कैसे उदाहरण दिया? बोले क्यों? बोले चंद्र में जिससे सुंदर, देखना रात को जब चंद्रमा उदय हो ना बड़े सुंदर सुशीतल, हाँ उसकी छाया सुशीतल है। दिन भर सूर्य का किरण हम तब जाते हैं, लेकिन रात हो जाए खुश हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा से सुंदर किरण निकलती है और चंद्रमा उदय पर ठंडा हो जाती है, और तुम्हारी जो मुख है ना चंद्र जैसे। राधा रानी बोले जानते हो चंद्रमा में कितने दोष? बोले क्या दोष? बोले कहाँ से निकली? बोले समुद्र से, समुद्र खारी पानी, खारी पानी से मैं क्या निकली। आज चंद्रमा देखे हो आप लोगों ने? कौन कौन चंद्रमा देखे हो? देखे हो ना चंद्रमा में, देखना कि धप्पा है, एक दाग है। राधा रानी बोली मेरे मुंह में कोई दाग नहीं क्या? आप जैसे ऊपर से काले भीतर से भी काले ऐसे हो। हाँ चंद्रमा को कैसे उदाहरण दिया? इतने में राधा रानी तो मान करके बैठी गई। कृष्ण बहुत कोशिश किए मनाने के लिए, मान भी उतर रहा है। इतने में श्री कृष्ण चंद्र श्री ललिता के पास में गए। बोले ललिते बताओ राधा रानी को कैसे मना। बोले एक काम करो, राधा रानी को मोर का नृत्य बड़ा प्यारा है, और मोर बन करके नृत्य करो। तब कृष्ण मोर बन करके उन्होंने सुंदर, इसको ऊपर में मयूर कुटी है बड़े सुंदर है, वहीं पर कृष्ण मयूर बन करके नृत्य की। राधा रानी दर्शन कर रही थी, लेकिन कृष्ण तो राधा रानी को रिझाने चाह रहे थे, इतने हाव भाव के साथ नृत्य कर रहे थे। इतने में राधा रानी बोली ललित ये बताओ ये मेरा मन ये मयूर के प्रति विशेष आकर्षित क्यों हो रहा है। बोले राधे ये और कोई नहीं श्री श्याम सुंदर तरह रिझाने के लिए ये मयूर बन करके नृत्य कर रहे हैं। तब श्री राधा रानी भी मयूर बन करके राधा कृष्ण दोनों मयूर मयूर बन करके नृत्य किया। इसलिए उसको ऊपर का जो कुटी है ना उसका नाम मोर कुटी। ऐसी अनंत लीला है, अभी मंदिर बंद हो जाएगा इतने एक बजे, एक बजे भूख जाते हैं उससे दो तीन मिनट पहले बंद हो। हाँ इसलिए हम लोग अभी जल्दी जल्दी पट्टा एक मिनट कुछ बोलना चाहते थे। बोलो राधा रानी की।